हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो ब्लूटूथ ईयरफोन हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है या गलती से चेंज हो जाती है और चाइनीज़ लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाती है। तो इसमें हम चेंज जो रहते हैं, मोस्टली जो ईयरफोन होते हैं बहुत सारे इंडिया के रहते हैं, बहुत सारे चाइना के ईयरफोन रहते हैं जो उनमें आवाज़ चाइना की भी आ जाती है। और जो हम जब कनेक्ट करते हैं तो जो चाइना की आवाज़ इसमें लैंग्वेज आ जाती है, तो कनेक्ट करने के टाइम पे बताता है, समझ में नहीं आता है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, आज इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, हम इसकी लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं चेंज तो बताते हैं। तो जो हमारे पास ईयरफोन है वो आपको बताना चाहते हैं, कोर का ईयरफोन है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर जो ईयरफोन के मोस्टली जो बटन होते हैं वो तीन बटन होते हैं, एक तो पावर ऑन करने का होता है, पावर कम करने, वॉल्यूम कम करने का, वॉल्यूम प्लस करने का। तो सबसे पहले हमें जो ईयरफोन को होगा उसे ऑन कर लेना है। ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद जो हमारे पास जो बटन रहते हैं वो तीन बटन होते हैं, तो आपको बता दें इसकी हम जो लैंग्वेज है उसे कैसे चेंज करेंगे। तो जो ईयरफोन ऑन होने के बाद आपको जो ये जो पावर ऑन और ऑफ करने का जो बटन है उसको हम 1 सेकंड से पहले, 1 सेकंड में उसको 2 बार प्रेस करना है, 1 सेकंड से पहले, जैसे कि ऐसे करके चेंज कर सकते। इसकी जो लैंग्वेज है वो भी चेंज हो गई है, और आपको एक बार सुना देता हूँ इसमें क्या बात कैसे चेंज होगी। देखो मैं इसको 2 बार प्रेस करता हूँ, फिर इसको 2 बार प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी। देखो ऐसे, तो ठीक इस तरह से इसकी चेंज हो जाती है। और इस तरह से आप इसको हिंदी और मतलब इंग्लिश में और चाइना में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इसको 2 बार प्रेस करेंगे तब जाकर इसकी वॉलेज और जो लैंग्वेज वो चेंज हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।